हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए थॉमस पेन के फेमस ऐसे कॉमन सेंस की समरी हिंदी में लेकर आया हूं। आई होप ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करते हैं कॉमन सेंस बाय थॉमस पेन। तो ये जो ऐसे है, ये पंफलेट जो है वो कुछ सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन में थॉमस पेन ये बुराई करते हुए कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक आवश्यक बुराई है, क्योंकि हमारे को एक समझ में आनी चाहिए बात कि एक समाज होता है जिसे लोग चला रहे होते हैं, और एक होता है पूरा समाज जिसे जो खुद अपने हिसाब से चल रहा होता है। समाज के पास पावर होती है कि वो शुरुआत कर सके, क्योंकि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को चुना होता है। पर एक बार जब वो अपनी गवर्नमेंट को चुन लेते हैं तो वो अपनी सारी पावर जो है वो गवर्नमेंट को दे देते हैं, ताकि गवर्नमेंट समाज के लिए रूल्स और उनकी जो सीमाएं हैं वो तय कर सके। जब कभी लोग एक ग्रुप में रहते हैं तो वो लोग उस छोटे से ग्रुप के अंदर भी हम हर एक चीज़ को कंसर्न से नहीं कर सकते। हम सबके हर काम के लिए लोगों की सलाह नहीं ले सकते हैं, या हर काम के लिए हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि एक गवर्नमेंट बनाई जाए, क्योंकि हर एक आदमी के अंदर बुराई की एक नेचुरल कैपेसिटी है। हर एक आदमी में जन्मजात बुराई होती है। इस बुराई को दबाने की ज़रूरत है, चाहे आप कानून से दबाओ, चाहे आप समाज के नियमों से दबाओ, चाहे आप समाज के पैटर्न से दबाओ, ताकि सबको सेफ्टी मिले और सबके लिए सिविलिटी हो। इससे क्या होता है, इससे होता है आते हमारे सामने चुनाव, क्योंकि अब ये तो सबके लिए पॉसिबल है नहीं कि हर पर्सन इंडिपेंडेंटली मिले और ये तय करे कि अगली गवर्नमेंट किसकी होगी। इलेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कह सकें कि हर एक पर्सन ये कह सके कि मैंने अपने लिए सरकार को चुना है, और वो लोग भी ये कह सके जिनके कोई दोस्त नहीं है या जिनके कोई साथी नहीं है। पेन इंग्लैंड का एक एग्जांपल देते हुए हमारे सामने कहता है कि इंग्लैंड एक ऐसा जो देश है जहाँ पर तानाशाही है। इंग्लैंड के अंदर एक राजशाही है और एक वहाँ पर अरिस्टोक्रेसी है जो देश को चला रही है। ना तो उन वहाँ पे कोई चुनाव होता है, और बल्कि जो राजा बनते हैं वो हेरिडिटी से राजा बनते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा समाज ये नहीं कह सकता कि मैंने इनको अपने पर राज करने के लिए चुना है। अब हमारा सेक्शन सेकंड स्टार्ट होता है, जहाँ पर पेन ये मोनार्कल जो रूल है, राजशाही के बारे में जो अपने विचार है वो बताता है। वो कहता है कि भगवान, सभी लोग बराबर है, क्योंकि सभी को भगवान ने पैदा किया है, इसलिए राजा और प्रजा के बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि राजशाही जो है वो राजा देश को आगे लेके नहीं जाती है, बल्कि उसको पीछे लेके आती है, क्योंकि राजा कभी लड़ाई चालू कर सकता है, कभी राजा जमीन के किसी हिस्से का सौदा कर सकता है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी नहीं मानता है, यानी कि एक पार्लियामेंट है जो कानून बनाती है और राजा उसके ऊपर साइन कर देता है। जॉन लॉक ये मानते थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप की मोनार्की थी, ये सिर्फ राजा के जो एक्शंस थे उनको कंट्रोल कर सकती थी। इस तरह राजा लोगों के प्रति जिम्मेदार हो जाता था। पर पेन ऐसा नहीं मानते कि ये काम करती है, क्योंकि राजा जो है वो अभी भी पेड़ के सबसे ऊपर बैठा है, और जब भी हम कोई ऐसा प्रयास करेंगे जो उसको कंट्रोल कर सके, तो वो प्रयास को नल और वॉइड कर देगा, क्योंकि उसके पास पावर है कि वो पार्लियामेंट के माने बनाए हुए किसी भी डिसीजन को मना कर सकता है। सेक्शन 3 में जो पेन है वो हमारे सामने अमेरिका के अंदर जो सिस्टम है उसकी बात करते हैं। पेन कहते हैं कि इंग्लैंड और अमेरिका की जो कॉलोनियाँ हैं, क्योंकि उस समय अमेरिका गुलाम था, इंग्लैंड और अमेरिका की कॉलोनियों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बड़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अमेरिकन इंडिपेंडेंस है बस वही एक तरीका है जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि अब वो बात करते हैं मैग्ना कार्टा की। मैग्ना कार्टा जो है वो एक संधि हुई थी इंग्लैंड के राजा जॉन और उनके विद्रोह करने वाले मंत्रियों के बीच में 1215 में, जिससे क्या हुआ कि दोनों तरफ के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हुई, और इसे बनाने वाली तीसरी पार्टी थी जिसके अंदर दोनों के प्रति कोई बयास नहीं था। इसी तरह की वो बात करते हैं कि अमेरिका के लिए भी ऐसा मैग्ना कार्टा बना दिया जाए। अब वो बात करते हैं कि हर एक कॉलोनी को अपने अंदर से 5 प्रतिनिधि चुनने चाहिए,
और वो सब क्या है, एक कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस के मेंबर बन जाएं और वो उसी तरीके से मिला करें जिस तरीके से पार्लियामेंट या गवर्नमेंट मिलती है। इससे ये पक्का हो जाएगा कि उनकी फ्रीडम बनी रहेगी और वो उनको कुछ धार्मिक स्वतंत्रता भी मिल जाएगी। इस तरह थॉमस पेन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया था कि अमेरिका के लिए कांग्रेस टाइप की जो गवर्नमेंट है वो सबसे इफेक्टिव गवर्नमेंट होगी। एक कॉलोनी को 5 हिस्सों में बांट दिया जाए और उनके अंदर से प्रतिनिधि चुने जाएं जो कांग्रेस में हर एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करें। वहाँ कांग्रेस मतलब वहाँ की संसद में हर एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करें। इस संसद की मीटिंग साल में एक बार हो और वो अपना एक प्रेसिडेंट चुने। एक बार एक कॉलोनी या डिस्ट्रिक्ट अपना प्रेसिडेंट चुन ले, उसके बाद वो तब तक अपना प्रेसिडेंट नहीं चुन सकती जब तक हर एक कॉलोनी का नंबर ना आ जाए, हर एक कॉलोनी से एक प्रेसिडेंट ना बन जाए। सेक्शन 4 जो है वो पंफलेट का सबसे मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक आशावादी भाग है। पेन ये मानते हैं कि अमेरिका में ऐसा पोटेंशियल है कि वो जब इंग्लैंड के साथ वो कॉलोनियल रूल में विद्रोह करेगा तो वो वहाँ पे जीत जाएगा क्योंकि उसके पास मैन पावर भी है और उसके पास नेवल कैपेसिटी भी है। सो आई होप फ्रेंड्स, ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।